गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। टुडे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश पोएट्री लेसन फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पोएट्री का पहला लेसन कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पढ़ाने जा रहा हूं। रोज में एक लेसन एक गर्ल विद बास्केट समाप्त हो चुका है, जिसका एक्सप्लेन भी हो चुका है, शॉर्ट आंसर भी हो चुका है। आज पोएट्री का पहला लेसन देखिए, पहले पोयम के विषय में जान लीजिए, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। दिस पोयम इज कंपोज बाय सर हेनरी ऑटन। करेक्ट आपकी हैप्पी लाइफ के लेखक कौन है? सर हेनरी ऑटन। इसमें आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है, पोयम की सेंट्रल आइडिया लिखिए और आपको एक पोयम दी रहेगी, चार लाइन, छः लाइन, पाँच लाइन जो भी होगा, और उसका एक्सप्लेन करना रहता है, एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, जिसमें रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है। तो देखिए पहले पोयम में क्या है। तो दिस पोयम इज कंपोज बाय सर हेनरी ऑटन। इन दिस पोयम द पोएट सेज अबाउट द पोएट टेल्स अस अबाउट द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। कवि हमें बताता है कि हमारा जीवन प्रसन्न कैसे रह सकता है, खुशहाल कैसे रह सकता है। देखिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडमायरेबल पोएम्स ऑफ द पोएट। यह कविता जो है कवि की सबसे अच्छी कविता है। दिस पोएम हैज ए डिडैक्टिक नोट, इट इज फुल ऑफ मोरल्स। यह कविता नैतिक दायित्वों से भरी हुई है। हैप्पीनेस इज ए थिंग दैट एवरी वन वांट्स इन हिज लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है? प्रसन्नता चाहता है। एवरी पर्सन वांट्स टू गेन हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में प्रसन्नता चाहता है। द पोएट हैज डिस्क्राइब द एसेंशियल क्वालिटीज टू अचीव हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। प्रत्येक द पोएट हैज डिस्क्राइब, कवि ने वर्णन किया है द एसेंशियल क्वालिटीज, आवश्यक गुणों का, दोज कैन मेक ए मैन हैप्पी, जो आदमी को प्रसन्न बनाता है। मतलब इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द क्वालिटी, डिस्क्राइब द एसेंशियल क्वालिटीज, दोज कैन मेक ए मैन हैप्पी। कुछ कवि ने ऐसे कुछ गुणों को बताया है, आवश्यक गुणों को बताया है, जिससे आदमी का जीवन सफल हो सकता है, आदमी का जीवन प्रसन्न हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट वर्च्यूज लाइक सेल्फ कंट्रोल। अगर आपको प्रसन्न रहना है, आपको खुशहाल रहना है, तो कवि बताता है तमाम क्वालिटीज को बताता है। पहली क्वालिटी क्या है? सेल्फ कंट्रोल। यू शुड हैव सेल्फ कंट्रोल। आपको स्वयं आत्मनियंत्रित होना चाहिए। बोल्डनेस, आपके अंदर साहस होना चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंस और स्वावलंबन का गुण होना चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंस मीन्स स्वावलंबी होना चाहिए। हमें अपने किसी भी काम के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। फियर ऑफ गॉड, ईश्वर से डरना चाहिए। ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस कैन मेक ए मैन क्वाइट हैप्पी। ईमानदारी और सच्चता ही आदमी को प्रसन्न बना सकते हैं। मतलब यदि कोई व्यक्ति जीवन में खुशहाल होना चाहता है, प्रसन्न होना चाहते हैं, होना चाहता है, उसे उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। फियर ऑफ गॉड, ईश्वर से भयभीत होना चाहिए। ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, बोल्डनेस होना चाहिए। तो आगे हम पोएम को पढ़ते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्व नॉट एंड अदर्स विल, हूज आर्मर इज ही ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। कल कहता है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्व नॉट एंड अदर्स विल। कल कहता है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, वह व्यक्ति जन्म से आर्ट अथवा शिक्षा से
प्रश्न होगा, कौन सा व्यक्ति दैट सर्व नॉट एन अदर्स विल, जो व्यक्ति दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, मतलब कभी यह बताना चाहता है, पोएट यह बताना चाहता है और कभी कल्पना करता है कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा, वह व्यक्ति कितना खुशहाल होगा, या तो जन्म से या अपनी शिक्षाओं से, जो कि दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, मतलब दूसरे की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। द पोएट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ हैप्पी मैन। द पोएट सेज दैट कि एनी पर्सन कैन बी हैप्पी, कोई भी व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, व्हेन ही डज नॉट सर्व एनी अदर्स विल, यदि वह किसी भी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है, दूसरे की इच्छाओं का पालन नहीं करता है। हूज आर्मर हिज ऑनेस्ट हार्ट, आर्मर मतलब कवच। कवच क्या होता है, आप युद्ध के समय देखते होंगे कोई योद्धा अपने शरीर पर कवच एक ढाल टाइप में पहने रहता है, उसे कवच कहते हैं, जो कि किसी भी मेटल धातु का बना होता है, और वह धातु क्या करती है, पूरे बॉडी को युद्ध के समय कवर किए रहती है, ढके रहती है। तो हूज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट थॉट, और जिसके सुरक्षा कवच इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी पूर्वक विचार है, ईमानदार विचार है, मतलब कवि यह बताना चाहता है कि वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है, और वह जन्म से अथवा अपनी शिक्षाओं के द्वारा ही प्रसन्न रहता है। कवि कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदार पूर्ण विचार है, एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही उसकी सबसे अच्छी कुशलता है। तो फिर से एक बार इस पैराग्राफ को देख लीजिए, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आउट दैट सर्व्स नॉट एन अदर्स विल, हूज आर्मर इज ही ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। कवि कहता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अथवा अपनी शिक्षाओं के द्वारा कितना प्रसन्न होता है, जो कि दूसरे की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। कवि यह बताना चाहता है कि यदि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, अपने जीवन में खुशहाल रहना चाहते हैं, हमारे जीवन की खुशी का राज यही है कि हम दूसरे की इच्छाओं के अनुसार कार्य न करें, हम जन्म से अथवा शिक्षाओं से ही महान और प्रसन्न हो सकते हैं। हूज आर्मर इज हिज अटमोस्ट हॉट एंड सिंपल हिज अटमोस्ट स्किल, जिसके सुरक्षा कवच अर्थात प्रसन्न व्यक्ति का, खुशहाल व्यक्ति का सुरक्षा कवच उसके ईमानदार विचार होते हैं, और साधारण सत्य ही उसकी सबसे अच्छी कुशलता होती है। हूज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, हूज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ अनटाइड अनटू दी वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ। देखिए हूज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी तीव्र इच्छाएं, हूज पैशंस नॉट हिज मास्टर, जिसकी तीव्र इच्छाएं नॉट हिज मास्टर्स आर, उसकी स्वामी नहीं है, अर्थात हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी बताना चाहता है, हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है उसकी जो तीव्र इच्छाएं हैं उसकी स्वामी नहीं होती, अर्थात वह अपनी तीव्र इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। ए हैप्पी मैन कैन नॉट बी स्लेव हिज स्ट्रांग डिजायर, कोई भी व्यक्ति प्रसन्न व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं हो सकता है। हूज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर आ प्रिंसली लव आ वल्गर ब्रीथ।
अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव आवर ब्रीज, वह व्यक्ति अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव, तो प्रसन्न चित्त व्यक्ति राजकुमारों जैसे प्रेम अथवा अब शब्दों का इस संसार में परवाह नहीं करता है। मतलब कब यह बताना चाहता है कि जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है या ए हैप्पी मैन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ विदाउट एनी कंप्लेंट, मतलब जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है वह इस संसार में आने वाली सभी समस्याओं का सामना बिना किसी शिकायत के करता है। ही सर्व्स हिज ओन विल, वह समस्त कार्य अपनी इच्छा के अनुसार करता है। व्हाट एवर ही वांट्स टू डू ही डज इट ब्रेवली, जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है वह जो कुछ चाहता है उसे वीरतापूर्वक करता है। हिज ऑनेस्ट हार्ट सेव्स हिम लाइफ एंड आर्मर सेव्स ए सोल्जर इन द बैटलफील्ड, ही इज स्किल्ड इन द स्पीकिंग द ट्रूथ। द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन इज द मास्टर ऑफ हिज पैशंस, यहां दिया ना कुछ पैशंस नॉट हिज मास्टर साहब, मींस द पोएट वांट्स टू टेल यस दैट ए हैप्पी मैन इज द मास्टर ऑफ हिज पैशंस, जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है वह अपने तीव्र इच्छाओं का स्वयं मालिक होता है। ही हैज कंट्रोल ओवर हिज डिजायर्स, मतलब जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है उसकी तीव्र इच्छाओं पर स्वयं का नियंत्रण होता है। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, दिया है कि हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार होती है। मतलब ए हैप्पी मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वह कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। सो ही इज ऑलवेज प्रिपेयर टू डाई, इसलिए वह हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। द पोएट सेज दैट द लाइफ ऑफ ए हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम एवरी टेंशन, जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है उसका मन क्या होता है, सभी प्रकार के टेंशन तनाव से दूर रहता है। फिर देखिए हु हैड, थर्ड स्टेट हु हैड हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्री, र्यूमर मतलब अफवाह होता है। हु हैड हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्री, जिसका जीवन सभी प्रकार की अफवाहों से दूर हो, स्वतंत्र हो, मीन्स ही डज नॉट गेट फ्लैटर्ड विथ एनी थिंग, अर्थात वो किसी की चापलूसी न करता हो, जिसका जीवन जो है वह अफवाहों से स्वतंत्र हो। हूज कंसाइंस, कंसाइंस मतलब अंतरात्मा विवेक, इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, रिट्रीट मतलब शरण स्थली, नार र्यूम्स मेक ऑपरेशंस ग्रेट, ऑपरेशंस मतलब आक्रमणकारी प्रोसिक्यूटर टेरेन। तो देखिए कवि कहता है कि हु हैड हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्री, कवि कहता है कि प्रसन्न चित्त व्यक्ति का जीवन सभी प्रकार की अफवाहों से स्वतंत्र होता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, और जिसका विवेक या जिसकी अंतर आत्मा अर्थात गलत और सही का निर्णय करने वाला, ए पर्सन्स मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कंसाइंस मीन्स ए पर्सन्स मोरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान जिसके अंदर यह पता चले कि यह सही है कि गलत है, जो गलत और सही का निर्णय कर सके। इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, तो जिसकी अंतर आत्मा ही उसकी मजबूत शरण स्थली है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फेड, हुज स्टेट, स्टेट मतलब स्थिति, तो जिसकी स्थिति कैन नाइदर फ्लैटर्स फेड, तो जिसकी स्थिति को न कुछ चापलूस खा सकते, अर्थात उसकी स्थिति को अर्थात उसे अपने अडिग स्थान से कोई डिगा नहीं सकता है, कोई भी चापलूस व्यक्ति उसकी चापलूसी नहीं कर सकता है। नार रूस मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और न ही महान आक्रमणकारी उसको विचलित कर सकती। कवि ये बता रहा है कि जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति होता है उसको अपने स्थान से कोई भी व्यक्ति विचलित
नहीं कर सकता है। मीन्स द बॉय डज नॉट लिव इन द वर्ल्ड ऑफ पेरेंट्स, वह आदमी जीवन में नहीं जीना चाहता है। ही डज नॉट लिव लेटर्स विथ एनीथिंग, वह किसी भी प्रकार से विचलित नहीं हो सकता है। ठीक, ये थ्री स्टेंजा पढ़ा दिया गया है और थ्री स्टेंजा आपको कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।